बहुत से हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो बोनसाई के बारे में मुझसे पूछते हैं कि मेरे बोनसाई के क्या विचार हैं। देखिए, पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बोनसाई। ठीक है, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों का बिजनेस है, लोग हज़ारों रुपए उसमें कमाते हैं, और शौक़ है, हॉबीज़ हैं, लोग ड्राइंग रूम में भी करते हैं, क्योंकि ना एक सीड, इट इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ नॉट नेचुरल, बोनसाई इज़ नॉट नेचुरल। आप एक पौधे को लगाते हैं, फिर वो जब बड़ा हो जाता है उसको आप जाके एक जंगल में लगा आते हैं, अप्रोप्रिएट अर्थ स्पेस में लगा देते हैं, लैंड स्पेस में। एक बोनसाई को आप एक एक बड़ा बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, या फाइकस बेंजामिना के साथ बहुत लोग बोनसाई बनाते हैं, तो आप लेके उसको हर 10 दिन में उसको कटिंग करते रहेंगे। अगर मैं मेरे हाथ पांव को कोई कटिंग करना शुरू कर दे, आपके हाथ पांव को कटिंग शुरू कर दे, कभी आपका कोई आँख काट दे, कभी कान काट दे, कभी सिर काट दे, कभी बाल काट दे, कभी आपका, सो हम क्या कर रहे हैं पेड़ के साथ? भाई वो तो पेड़ का पोटेंशियल है ना, पीपल का, बड़ का, फाइकस की, स्पेशली फाइकस के साथ काफ़ी, फाइकस में बोनसाई बहुत होता है, तो आप कर क्या रहे हैं? आप उसको कटिंग, बार बार उसकी कटिंग करके उसका जो रियल पोटेंशियल था वो तो उसको कभी आप ग्रो करने ही नहीं दे रहे। एक वृक्ष जो बनना चाहिए था, बीज को जो वृक्ष बनना चाहिए था, पेड़ बनना चाहिए, तो वो तो आप कभी होने ही नहीं दे रहे। आप तो उसको एक ड्वार्फ बना के, उसको बस कटिंग करके आपने उसको एक डेकोरेशन आइटम बना के अपने उसके अंदर आपने रख दिया, ड्राइंग रूम के अंदर टेबल पे सजा कर। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उसका ट्रू नेचुरल पोटेंशियल है, आप उसको स्नब कर रहे हैं। और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मुझे ऑन कैमरा ये चीज़ कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, फिर बहुत लोग हर्ट होंगे, बहुत लोग सोचेंगे कि ये तो एक नई बात बोल दी पीपल भवन ने। आप यू नो, इट इज़ इक्विवेलेंट टू कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, इट इज़ इक्विवेलेंट टू चॉपिंग डाउन ऑफ ट्रीज, इट इज़ इक्विवेलेंट टू, आपने सिर्फ जड़ छोड़ दी और आपने 1 फुट 1.5 फुट की स्पेस छोड़ दी जहाँ पर वो ब्लॉसम कर सकता है, वो पेड़ प्लांट जो है, लेकिन बाकी तो सब कुछ ख़त्म कर दिया आपने उसका। आपने उसकी लिबर्टी छीन ली, आपने उसकी फ्रीडम छीन ली, आपने उसको इस लायक ही नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी जो एक सीड की अभिव्यक्ति है, जो एक मैनिफेस्टेशन होना था पेड़ के रूप में, जंगल के रूप में, एक इकोसिस्टम के रूप में, जहाँ पर नेस्टिंग होनी थी, जहाँ पर गिलहरियाँ आनी थी, जहाँ बटरफ्लाइज आनी थी, जहाँ बीज आने थे, जहाँ ना जाने कितने प्रकार के पक्षी उस पेड़ के ऊपर बैठने थे, आपने उसे काट काट के चॉपिंग कर करके उसकी कटिंग करके एक छोटे से गमले में आपने उसको ड्राइंग रूम में सजा के रख लिया। आपके अहंकार की पूर्ति हो गई, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी ईगो मसाज हो गई, आपको ईगो अच्छी लग रही है, ओ जी हमने तो बोनसाई बना लिया। लेकिन भाई साहब, आपने उस बीज का क्या किया? वो तो परमात्मा की एक दी हुई चीज़ है, उसको आप समझ रहे हैं ना, है? तो उससे रिलेटेड फिर नेचर, आप नेचर को स्नब कर रहे हैं, नेचुरल लाइफ फॉर्म को स्नब कर रहे हैं, आप उसको ग्रो ही नहीं होने दे रहे। तो अब उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें आएंगी कर्मा में, फिर वो आएंगी आपकी लाइफ में। मैं ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा इस चीज़ पे, क्योंकि मेरे ही जानने वाले लोग जो हैं, बहुत लोग बोनसाई करते हैं, मैं प्यार से समझाने की, प्रेम से बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ उनको। ठीक है, देखिए, जैसा मैंने अपना विचार, जो मुझे जो एक्सप्रेस करना था, मेरी जो शेयरिंग थी, मैंने आपके साथ बड़े प्रेम से करी है और बहुत ऑनेस्टली करी है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, बाकी आप देख लीजिए जैसा आप ठीक समझें।